इसी के वजह से चूहा सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, नॉइंग का मतलब कुतरना। अब ये कुतरते क्यों है, उसका भी रीजन है। इसका जो आगे का जो दो दांत है, इंसीजर, आगे के दांत को जो फर्स्ट दांत है उसको इंसीजर बोलते हैं, ये इसका कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है, मतलब बढ़ता ही रहता है, रुकता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। तो उसको सीजल करने के लिए, कोई चीज बढ़ रहा है ना तो उसको सीजल करते रहते हैं। तो ये नॉइंग करता है, कुतरता है, इसीलिए किसी भी चीज को कुतरेगा, दीवार को काटेगा, ईंट को काटेगा, कुछ भी लगेगा उसको काटेगा। वो इसलिए काटता है कि अपने दांत को रोकता रहता है, आगे बढ़ने से सीजल करता रहता है। इसलिए चूहा खाना खाता नहीं है ज्यादा, नुकसान ज्यादा करता है, कुछ भी काट देगा, कहीं भी बिल कर देगा, सिर्फ दिस नॉइंग प्रॉपर्टी होने की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो कैरी सेवरल काइंड ऑफ डिजीज, प्लेग, parenchymas, leptospirosis, salmonellosis, that is food poisoning, rat bite fever, rabies, henta virus. रेट बाइट भी बहुत होता है, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा चाहे नहीं किया होगा, आप लोग जो चूहे खा जाते हैं रात को सोते रहे उंगली खा जाते हैं। हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, फिर रात को बच्चों के बेड पे आ जाते हैं, कहीं कभी उंगली खा जाते हैं, कभी नाखून खा जाते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं, बहुत खतरनाक होता है। डैमेजेस ये कहीं से भी किस तरह से डैमेज है ये सब आपको पता ही है। Now the important is rodent management, because हमने पहले ही बात करा कि rodents are mammals, they got senses, they got brain, ये सोच सकते हैं। तो इसीलिए इसका management भी ऐसा नहीं कि कुछ आपने cage डाल दिया, trap डाल दिया, एक बार में ही आप control कर सकते हैं, नहीं। You will have to apply several kinds of methods together to control. So एक rodent management में पूरा प्रॉपर प्लानिंग हम करते हैं। आप भी अपने फैक्ट्रीज में देखा होगा, हमने जगह जगह पर रोडेंट बॉक्सेस लगे हुए हैं, कहीं हम ट्रैप लगा रहे हैं, बाहर के एरिया में मेटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज मल्टी लेयर अप्रोच हम अपना रहे हैं टू कंट्रोल द रैट्स। इसमें सबसे पहला तो है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है कि हम चूहे को अपने अंदर आने नहीं देते। कोई भी जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, जो कंसर्न सर है उनको हम लोग मेल करते हैं कि दीज आर द ओपनिंग्स, ये होल्स है जहाँ से चूहे अंदर आ सकते हैं, उनको बंद करना चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज रोडेंट प्रूफिंग, स्ट्रक्चर में आए ना उसके घुसने की जगह को हम रोकें। देन सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सैनिटेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल नॉट प्रोवाइड शेल्टर, उसको जगह ही नहीं मिलेगा, हम उसको रहने का जगह ही नहीं देंगे, उसको कहीं आके छुपने का जगह ही नहीं देंगे तो आएगा नहीं। अगर आता है उसको रहने का जगह मिल रहा है, उसको खाने का जगह मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है तो वो आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट सैनिटेशन। कुछ भी आप देखेंगे बिल्डिंग के पीछे साइड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो भी हमारा डंप मटेरियल होता है उसको डंप कर देते हैं, और वो सबसे फेवरेट जगह होता है रैट को छुपने का, तो वो आते हैं तो उनको जगह मिल जाता है। सो इट्स सैनिटेशन वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जब आ जाते हैं तो ट्रैपिंग है, बेटिंग है, फिर लेआउट प्लान तो इसलिए बनाते हैं कि पहले आउटर एरियाज में हम पहले उसको बेटिंग करें, देन इनसाइड एरियाज में आता है तो हम ट्रैपिंग है उसके। अब ट्रैपिंग भी देखें, हम हमेशा जैसे आपने देखा हुआ वहाँ पे रोडेंट बेट स्टेशन लगा हुआ, ये अलोंग द वॉल्स लगा हुआ है, उस कोने पे देखिए आप, वो रोडेंट बेट स्टेशन है, अलोंग द वॉल लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जैसा सर ने भी बात करी कि ये हमेशा दीवार के सहारे चलता है, बीच से नहीं जाएगा, दीवार के सहारे जाएगा, तो उससे जाएगा तो उसमें ये जाएगा उससे जैसे उससे बचाएगा।